उसके बाद, उसके बाद क्या था, मम्मी ने मारा चांटा, चांटा लगा जोर से, हमने खाए समोसे, समोसे बड़े अच्छे, नाना जी नमस्ते। ओ, शायद बचपन की यादों में कुछ ज्यादा ही घुस गया, सॉरी सॉरी। हाँ तो भाई लोग, आज हम बात करेंगे मेरी लाइफ के फर्स्ट एडवेंचर के बारे में, जो कि ऐसा वैसा एडवेंचर नहीं था, वो मेरी लाइफ का आज तक का सबसे थ्रिलिंग एडवेंचर था। तो आज के स्टोरी टाइम में हम देखेंगे वो टाइम जब मैं 4 साल का था और मैं फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहा था। अब तुम लोग बोलोगे कि तू 4 साल के टाइम में पहली बार स्कूल जा रहा था। हाँ तो मैं यहाँ तुम लोगों को बता दूं कि मैं अपने मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा लाडला था। लाडला मतलब इतना लाडला कि उन्होंने मुझे नर्सरी, प्री नर्सरी, LKG भेजा ही नहीं, डायरेक्ट 4 साल में UKG में डाल दिया था, समझ रहे हो। यहाँ पे ना सारे पेरेंट्स बहुत ही ध्यान से सुनना, आपके लिए काम की बात है। तो ये जो लाडलापन होता है ना, इस लाडलेपन की वजह से बच्चों का जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, आसमान फाड़ रहा होता है, और उनको लगता है कि वो कुछ भी कर देंगे ना, कुछ भी, उसके बाद भी उनके पेरेंट्स हाय मेरा बच्चा करके उनको गले ही लगाएंगे। तो उनको ना बीच बीच में थोड़ा सा झटका देना जरूरी है, जैसा कि मेरी मम्मी ने दिया था, वो तो आपको आगे पता चल ही जाएगा, ध्यान से सुनना। तो हुआ यूं कि मेरा पहला दिन था और मम्मी मुझे स्कूल छोड़ने लेके गए। वैसे मेरा कोई स्कूल जाने का खास मूड था नहीं, लेकिन हाँ मम्मी ने मुझे 1 रुपए वाली एक टॉफी दिलाई थी। अब तुम लोग सोचोगे कि 1 रुपए की टॉफी के लिए मान गया, तो मैं तुम लोगों को बता दूं, वैसे मैं बहुत सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यार यहाँ मैं पिघल गया, लेकिन यार यहाँ मैं पिघल गया। वो क्या है ना, उस टाइम की 1 रुपए वाली टॉफी भी ना आज के टाइम की डेयरी मिल्क सिल्क से कम नहीं थी। और हाँ, अगर तुम बात 10 रुपए वाली चॉकलेट की कर लो, तो भाई साहब 10 रुपए वाली चॉकलेट तो उस टाइम हमको तब मिलती थी जब बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस तुम्हारे फेवर में हो, जैसे कि तुमने बहुत सारे दिनों से कोई शैतानी ना की हो, तुम्हारी स्कूल से कोई कंप्लेंट ना आई हो, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो ये होता था कि तुम्हारे पेरेंट्स का मूड कैसा है। पहले वाले दोनों पॉइंट्स अगर तुम्हारे फेवर में भी हो ना, उसके बाद भी अगर तुम्हारे पेरेंट्स का मूड ना हो ना, फिर तो वो सारा वेस्ट है। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूं। और हाँ, जो 10 रुपए वाली चॉकलेट होती थी ना, वो हमको मिल पाना हमारे लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट होती थी कि हम लोग उस चॉकलेट के रैपर को एक सेफ केस में रखते थे और उसको बाद में फ्रेंड्स के सामने फ्लॉन्ट भी करते थे, ये देख 10 रुपए वाली टॉफी का रैपर, 2 महीने तक स्कूल से एक भी कंप्लेंट नहीं, और 3 महीने तक घर में कोई शैतानी नहीं, तब जाके मेरी मम्मी ने दिलाया है क्या तेरे पास। और कुछ बच्चे तो उस रैपर को अपने मुंह पे चिपका के पूरे स्कूल में नाचते हुए घूमते थे, और जब इन्हीं बच्चों की कोई कुटाई कर देता था ना टीचर, तब इनके वो रैपर्स कॉरिडोर में बिखरे बिखरे घूमते थे। ओह, शायद मैं नॉस्टैल्जिया में कुछ ज्यादा ही बह गया। तो वापस एडवेंचर पे आते हैं। तो मेरी स्कूल लाइफ का फर्स्ट डे, क्लास थी UKG और मम्मी मुझे स्कूल छोड़ने के लिए गई। अब तुम आगे सीन देखो क्या बनता है। वैसे मेरा कोई स्कूल वूल जाने का खास मूड था नहीं, लेकिन हाँ मेरे मूड से किसी को क्या ही फर्क पड़ रहा था। तो मम्मी मुझे लेके चली गई स्कूल में, और मम्मी स्कूल के अंदर क्लासरूम के अंदर ले जाके टीचर से बातें करने लगी और मुझे भेज दिया बच्चों के बीच में, बेंचेस जो लगे हुए थे वहां पे बैठने के लिए। तो मैं पीछे की तरफ चला गया और मम्मी जैसे कि टीचर से बात कर रही थी, तो अब यहाँ देखो उस क्लासरूम में 2 डोर्स थे, एक तो आगे टीचर की तरफ और दूसरा पीछे बेंचेस की तरफ जहाँ पे बच्चे बैठे हुए होते थे। तो मैं पीछे चला गया और मम्मी कर रही थी टीचर से बात। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा कोई खास मूड था नहीं स्कूल जाने का, तो मुझे ना बैग दिखी, ना बॉटल, ना मम्मी दिखी, ना मैडम, मुझे तो बस पीछे वाला वो डोर दिखाई दे रहा था। और मैं सच बताऊं, वो डोर ना उस टाइम मेरे लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। मुझे ऐसा लगा कि तूने अगर अभी नहीं किया ना तो कभी नहीं कर सकता। भाई साहब मैंने कुछ नहीं देखा, मैं उस दरवाजे से एकदम कल्टी। जब तक मैम से मम्मी बातें कर रही थी ना, तब तक तो मैं स्कूल का गेट क्रॉस भी कर चुका था। उसके बाद मम्मी क्लास में बच्चों से पूछ रहे हैं कि वो यहाँ भेजा था वो कहाँ गया। बच्चे बड़े शैतान थे उस टाइम पे। आंटी वो तो उसी टाइम भाग गया था। तो मम्मी को बहुत गुस्सा आया कि कहाँ गया, एक तो गुस्सा ऊपर से टेंशन, लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ रहा था भाई साहब, मुझे तो अपनी मंजिल साफ दिखाई दे रही थी, मुझे पहुंचना था घर। तो मैंने ना स्कूल का गेट क्रॉस कर लिया। इसके बाद से मेरा एडवेंचर स्टार्ट होता है। अब तुम देखो, सामने थी बहुत चौड़ी रोड,
पता नहीं ज्यादा चौड़ी थी कि नहीं, बट उस टाइम जो मेरी एज थी ना, मुझे दुनिया की सबसे चौड़ी रोड वही दिख रही थी। अब वो बच्चा जो घर से ज्यादा दूर खेलने तक के लिए मम्मी से बिना पूछे नहीं जाता था, उस बच्चे को वो बहुत ज्यादा चौड़ी रोड क्रॉस करनी थी। तो अब यहाँ पे मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो मैंने सोचा कि अब इसमें ना बहुत दिमाग लगा के रोड क्रॉस करनी है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने ना लेफ्ट देखा ना राइट देखा, मैंने देखा मुझे सामने जाना है, रोड क्रॉस कर रहे हैं, आंखें बंद करी और मैं भाग लिया। और वो रोड काफी ट्रैफिक वाली रोड थी, मैंने कुछ नहीं देखा, आंख बंद करके भागा और मैं रोड के दूसरी तरफ पहुंच गया। मैं आज भी सोचता हूं कि उस टाइम पे मैंने वो रोड पता नहीं कैसे सेफली क्रॉस कर ली, क्योंकि ट्रैफिक तो काफी था। रोड के दूसरी तरफ जाके मुझे बहुत ज्यादा संतुष्टि मिली, मुझे लगा जैसे कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ और आज मैंने वो काम कर दिखाया ना जो दुनिया का कोई बच्चा कर ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं। और उसके बाद रोड के दूसरी तरफ जाके मैंने सीधा अपने घर का रास्ता फॉलो किया। स्कूल से घर 2 किलोमीटर की दूरी पे था और वो 2 किलोमीटर मैंने लगातार भाग भाग के घर तक पहुंच गया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और मैं बीच बीच में रुक के पीछे देख भी रहा था कि मेरी मम्मी तो नहीं आ रही कहीं, और मम्मी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि पहले तो मम्मी ने स्कूल में ढूंढा होगा ना मुझे, उसके बाद घर की तरफ निकले होंगे। तो ऐसा हुआ कि उस टाइम पे ना कोई फोन था, ना कोई कैमराज थे, कुछ नहीं था। तो मैं मस्त भाग भाग के घर पहुंच गया और मम्मी बहुत ज्यादा गुस्से में और टेंशन में, और उसके बाद मम्मी भी जल्दी 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 पीछे पीछे मेरे साथ साथ घर पहुंच गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब आगे सीन देखो क्या होता है। जो बच्चा कभी अपने मम्मी पापा से डांट तक नहीं सुनी जिसने, उस बच्चे के साथ सामने क्या हो रहा है देखो। बच्चा बैठा हुआ था गेट के बाहर, जो स्टेयर्स होते हैं ना, उन स्टेयर्स पे। थोड़ा सहम गया था शायद, 4 साल का ही तो था, घर से दूर ही नहीं गया था कभी अकेला, डरा हुआ भी था मैं कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। तो मम्मी आई और मम्मी ने खींच के मुझे चांटा लगाया, और उस चांटे का दर्द ना मुझे आज तक याद है। तो उसके बाद क्या था, मम्मी ने मारा चांटा लगा जोर से, हमने खाए समोसे बड़े अच्छे, नाना जी नमस्ते। ओ, शायद बचपन की यादों में कुछ ज्यादा ही घुस गया, सॉरी। एक्चुअल में हुआ क्या था, मम्मी ने मारा चांटा एक नहीं दो थे, सुबह के 9:15 थे। मम्मी ने पकड़ा मेरा हाथ, बोली आजा मेरे साथ, आज तुझे बताऊंगी, स्कूल छोड़ के आऊंगी। वाह क्या राइम बन गई। नहीं एक्चुअल में हुआ ऐसा ही था कि मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और उसके बाद घसीटते हुए मुझे उन्हीं रोड्स पे से, जहां से मैं थोड़ी देर पहले बड़ी खुशी खुशी भाग के आ रहा था ना, उन्हीं रोड्स पे से स्कूल में वापस लेके गई, और उसी क्लासरूम में उन्हीं बच्चों के सामने ले जाके मुझे खड़ा कर दिया। तो भाई साहब उस टाइम पे जो मैं थोड़ी देर पहले हीरोइक फीलिंग महसूस कर रहा था ना, वो एकदम से जीरोइक फीलिंग बन गई थी, और मुझे ऐसी जलालत फील हो रही थी ना कि अभी मैं यहां से हीरो की तरह भाग के निकला था और वापस वहीं पे आके बैठा दिया मम्मी ने। तो उस दिन मम्मी मुझे वापस स्कूल छोड़ के आई, साथ में बस 2 चांटे थे, मेरे दोनों गाल लाल थे, और वो वाली फीलिंग मैं आज तक नहीं भूल पाया और शायद लाइफ में कभी नहीं भूल पाऊंगा। वो मेरी लाइफ का सबसे पहला लेसन था। मजा आया।